नोटिस दैट एज ग्रोइंग अप इन इंडिया कि हम ना लाइक बचपन से मैंने बहुत सुना है कि फॉरेनर्स बड़े कूल होते हैं, फॉरेनर्स बड़े चिल्ड आउट होते हैं, बड़े ओपन माइंडेड होते हैं. लाइक इवन वैन यू आर वर्किंग इन ऑफिस, कोई फॉरेनर अप्लाई करता था तो उसको नौकरी मिल जाती थी और तुम बैठे रहते थे. एंड आई यूज़ टू ऑलवेज वंडर कि फॉरेनर्स इतने कूल क्यों होते हैं यार. मतलब आई थिंक सो चिल्ड आउट मोर देन इंडियंस, यू नो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉरेनर्स, आई मीन यूरोपियंस प्राइमरली, लाइक हु लुक ओपन माइंडेड, प्रोग्रेसिव एंड हाई इमोशनल क्वेश्चन ऑफ द सोसाइटी. तो मैंने सोचा कि यार इन लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंट है जो हम इंडियन अर्बन बच्चों की लाइफ में नहीं होता. तो इनके माँ बाप इनको 18 साल की उम्र में घर से बोलते हैं अब तुम जाओ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑन योर ओन मनी. तो 18 ईयर्स में हम तो अभी भी मतलब घर पे अपने माँ बाप से मोस्टली मार ही खा रहे होते हैं या डांट खा रहे होते हैं या तू ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकती, ये तरह से ना हो पाए, ये सुन रहे होते हैं. उसके बाद हम मतलब कुछ 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 बच्चे और माँ बाप, बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते हैं, यू नो. लाइक हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा होता है विच इज बहुत लाइक कभी खुशी कभी गम, हम साथ साथ है कि स्पिरिट में भी चलता है साथ में. पर वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन फॉरेनर्स और यूरोपियंस में 18 साल की उम्र में डाल दी जाती है. दे डोंट लुक डाउन अपॉन वर्किंग इन अ कॉफी शॉप. हमारे यहाँ पे 18 साल का बच्चा कॉफी शॉप में काम करेगा तो माँ बाप को दुहाइयाँ सुननी पड़ेगी कि तुसी अपने मुंडे नू कॉफी शॉप में काम करने के लिए भेज दिया, मतलब आपके पास पैसे नहीं है क्या. पर इन फॉरेन कंट्रीज में ये बच्चे काम करते हैं कॉफी शॉप्स में और बड़ी इज्जत से काम करते हैं, वो सबको पता है दे हैव टू मेक देयर ओन मनी. पर हमारी कंट्री में इसको इज्जत का नाम दिया जाता है कि इट्स समथिंग टू लुक डाउन अपॉन. और वहाँ पे हमारे यहाँ पे मेड्स होती हैं काम करने आती हैं विद फॉर लिटिल मनी, ज़्यादा पैसे नहीं हमको देने पड़ते मेड्स को. वहाँ पे मेड्स नहीं होती, वहाँ पे प्लम्बर नहीं होते, कारपेंटर नहीं होते, ये इनको ये बहुत महंगे रिसोर्सेज होते हैं. हमारे यहाँ पे तो इट्स चीप टू फाइंड अ प्लम्बर और मेड एंड. तो बेसिकली जो फॉरनर्स होते हैं ना, ये जो यंग जो ऊजिंग आउट विद इंडिपेंडेंस एंड फ्री स्पिरिट होते हैं ना, तो आई थिंक इनका स्पिरिट आता है 18 साल में अपने पैरों पे खड़े होना, नॉट लुकिंग डाउन अपॉन व्हाट दे डू टू गेट देयर एंड मेक देयर ओन मनी टू गेट देयर ओन फूड. अपने घर का काम खुद करते हैं, कपड़े खुद धोते हैं, खाना खुद बनाते हैं, सफाइयाँ खुद करते हैं, प्लम्बिंग सीखते हैं, कारपेंटरिंग सीखते हैं. और उसके बाद जब इंडिया आते हैं तो ऑफकोर्स हम तो अभी भी अपनी फैमिलीज के हम तो होते हैं पैम्पर्ड लॉट, मतलब मम्मी टिफिन देगी और आई मीन यू नो द रेस्ट.